समय रहते शहीदों की वीरांगनाओं के साथ न्याय नहीं किया गया तो इन वीरांगनाओं के साथ साथ प्रदेश में उन सभी शहीद परिवारों को साथ लेकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा जिन्हें आज तक शहीद पैकेज के अंतर्गत मिलने वाले सारे परिलाभ नहीं मिले। जी हाँ, ये कहना है आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल का। उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट किए। हनुमान बेनीवाल ये भी ट्वीट करते हैं कि पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों की शहादत के बाद उनके घरों पर राज्य सरकार के मंत्रियों द्वारा किए गए वादे आज तक पूरे नहीं हुए जिसके कारण मजबूरन वीरांगनाओं को आंदोलन करना पड़ रहा है। साथ ही वे ये भी लिखते हैं कि पुलवामा हमले में देश के लिए कुर्बानी देने वाले राजस्थान के शहीदों की वीरांगनाओं पर राजधानी जयपुर में 4 मार्च को पुलिस द्वारा मुख्यमंत्री निवास के सामने अपमान कर वीरांगनाओं पर लाठीचार्ज किया जाता है तो वहीं इस मामले पर देर रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कुछ मांगों को मानने से साफ इनकार कर दिया है। गहलोत ने देर रात ट्वीट करते हुए लिखा कि शहीदों के बच्चों का हक मार कर किसी अन्य रिश्तेदार को नौकरी देना कैसे उचित ठहराया जा सकता है। जब शहीद के बच्चे बालिग होंगे तो उन बच्चों का क्या होगा, उनका हक मारना उचित है क्या। उन्होंने आगे लिखा कि भाजपा के कुछ नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए शहीदों की वीरांगनाओं का इस्तेमाल कर उनका अनादर कर रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी वीरांगनाओं की मांगों को मानने के लिए सीएम गहलोत को चिट्ठी लिख चुके हैं। सीएम गहलोत ने बताया कि शहीद हेमराज मीणा की पत्नी उनकी तीसरी मूर्ति एक चौराहे पर स्थापित करवाना चाहती है जबकि पूर्व में शहीद की 2 मूर्तियां राजकीय महाविद्यालय सांगोद के प्रांगण और उनके पैतृक गांव विनोद कला स्थित पार्क में स्थापित की जा चुकी है। ऐसी मांग अन्य शहीद परिवारों को दृष्टिगत रखते हुए उचित नहीं है। इससे पहले वीरांगनाएं सचिन पायलट के साथ उनके आवास स्थल पर मिलने पहुंची थी तब पायलट ने कहा था कि वीरांगनाओं के साथ जिस तरह से बदसलूकी हुई उसके जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो। पूरे देश ने देखा कि किस तरह वीरांगनाओं के साथ पुलिस ने बर्ताव किया, वो बेहद निंदनीय है। माना कि मांगे पूरी करने में समय लग सकता है लेकिन वीरांगनाओं के साथ खींचतान करना, बदसलूकी करना ये बेहद गलत है। जिन महिलाओं को हम वीरांगना कहकर सम्मान करते हैं उनके साथ पुलिस इस तरह का व्यवहार करे वो ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट राजस्थान तक।